বাস এদিকে তাকা এদিকে गाइस अभी हम लोग जा रहा है थोड़ा घूमने के लिए नजदीकी। किशा भी रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गया और लिपि थोड़ा किशा का पानी ले रहा है बोतल में। तो चलिए थोड़ा नजदीक, किधर भी थोड़ा मन हो रहा है क्योंकि संडे का दिन है, पूरा हफ्ता में तो काम में बिजी रहता हूँ, तो छोटा बच्चा इनको भी थोड़ा घुमाने का था। तो चलिए थोड़े इन लोग को घुमा के लेके आता हूँ नज़दीकी, किधर भी जाऊँगा गोरेगांव फोरेगांव साइड में देखता हूँ, किधर भी जाऊँगा तो आप लोग को पूरा शेयर करूँगा। और वीडियो पूरा देखते रहिए, अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। तो हम सब रेडी हो गए, ईशा भी ईशा का पानी ले रही थी तो हो गया पानी लेके। तीनों रेडी हो, अभी जा रहा हूँ घूमने के लिए। संडे का दिन है, अभी शाम हो गया, थोड़ा 3 बज गया, तो चलिए घूम के आते। तो हम लोग को रिश्ता मिल गया है नीचे आते ही, तो चलो अभी जाती हूँ। चलो, सोच रहे पार्क में जाएगा कोई, तो पार्क में ही जाते चलो। हम लोग आ गए मेट्रो स्टेशन, तो पहले सोचा था रिक्शा पकड़ के जाएंगे, लेकिन इतना गर्म लग रहा है तो हम लोग फिर मेट्रो स्टेशन आ गए। तब मेट्रो पकड़ के जाएंगे गोरेगांव, फिर उधर से जाएंगे। हस्बैंड इधर टिकट निकल रहा है गोरेगांव के लिए। हाँ मम्मा, वेट, जाएंगे रुको। हम लोग जा रहे ऊपर, चेकिंग भी होगा, टिकट भी मिल गया है देखो, तभी जा रहे ऊपर। और ये वाला मेट्रो स्टेशन नया है, मतलब नया स्टार्ट हुआ है, हस्बैंड बहुत बार आया गया, लेकिन मैं और किशा फर्स्ट टाइम ये वाला मेट्रो में जा रही हूँ। तो चल इधर से पार्स लेना पड़ रहा हमको। हम लोग तो पार्स ले लिया,
पास लेने के बाद अभी टूरिस्ट पास इधर से छोड़ेगा उधर को पीछे, तो टूरिस्ट पास से जाऊंगी अंदर, मतलब फिल्म सिटी के अंदर एंट्री होगा। तो चलो अभी धीरे धीरे जाते हो, सब लोग जा रहे हो उधर को पीछे, तो हम लोग भी जाओगे एक एक करके। तो पहले रिस्क अलाउ करते थे, अभी टूरिस्ट पास कर दिया, मतलब इधर से टूरिस्ट पास बैठ गई हूँ पास में, अभी जाऊँगी अंदर। पूरा ए सी बस है, देखो यहाँ के मस्ती चालू करते, चलो। तो गाइस हम लोग तो बस में बैठ गया था, और बस में ना एक गाइड था जो पूरा फिल्म सिटी घुमा के दिखाने वाला है। तो ये है बाजू में है बिग बॉस का सेटअप ये, और बहुत सारा सेटअप है जो बना हुआ है, रियल नहीं, ये सब सेटअप बना हुआ है। ये लेफ्ट साइड में आपका गणपति का मूर्ति है बहुत बड़ा, ये देखिए, और ये सब सेटअप है, सब शूटिंग का सेटअप है। ये कोट बना हुआ है, ये भी सेटअप है। सर जी, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वही तालाब है जिसमें देवदास पिक्चर में शाहरुख खान डुबकी लगाए थे। अब आप सोच रहे हैं कि इतने गंदे पानी में शाहरुख खान डुबकी लगाएंगे, तो ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस पिक्चर के लिए पूरा पानी चेंज करके साफ पानी डाला है बिस्लेरी जी, पहले सस्ता था अभी महंगा हुआ है। इसी तालाब में ज्यादातर सीरियल पिक्चर में लाशें मिलती है, जैसे साउथर्न इंडिया, सीआईडी, क्राइम डीजल, क्राइम पेट्रोल होता है। सामने वाले मैदान में पुरानी फिल्मों में डाकू, मैडम जी हेलो, सामने वाले मैदान में पुरानी फिल्मों में डाकू गुंडे लोग के अड्डे होते थे। विलेन बोलता था आज मेरा 50 करोड़ का सोना आ रहा है, अब खुद आते थे 2000 पर डे के हिसाब से, सिर्फ डायलॉग होता था उनका, ठीक है। अब इमली की चल रही वहां पर देखिए फ्रेंड्स, इधर भी एक शूटिंग चालू है अभी। तो गाइस इधर बागवान का शूटिंग हुआ था, ये बागवान का सेटअप है पूरा। जिंदा होती है और बताती गांव वाले लेके तो कोमा में चली गई थी, कोई गांव वाले होते नहीं, सब पूरे गांव वाले होते सब, ठीक है। एक्सक्यूज मी, हेलो, पुरानी मूवी देखी होगी आप लोगों ने, देखी पुरानी मूवी, हीरो अपनी हीरोइन को यहीं से अवार्ड लगाता है, कौन सा, प्रिया 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 आपके घर पे एक फिल्म आती कौन है प्यार है, ऋतिक रोशन, अमीषा पटेल सिर्फ से छूट जाते हैं, और थाईलैंड के टापू पर जो डांस करते हैं ना, वो रहा थाईलैंड, इसे कहते हैं मुंबई का बिहार पवई लेक, मुंबई के लोग यही पानी पीते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आप लोग बॉम्बे घूमने के लिए आए हो, आप लोग बॉम्बे आ जाओ, मामा आ जाओ, तो गाइस ये वही फेमस मंदिर जो बहुत सिनेमा में यूज होता है, लेकिन ये सेटअप है शूटिंग के हिसाब से भगवान चेंज हो जाता है। ये बाजू में है हेरा फेरी का सेटअप, बड़े बड़े अवार्ड यहाँ होते हैं सर, अवार्ड फंक्शन यहाँ होते हैं, और रियलिटी शो यहाँ होते हैं, सामने केबीसी का सेट है। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए बॉलीवुड पार्क। ये जो पार्क है ना, ये पहले नहीं था 3-4 साल पहले, ये अभी नया नया बना हुआ है, और इसके अंदर है ना जो भी फेमस मूवी है, जैसे कि आपका बॉलीवुड में बाहुबली, तानाजी, गोलमाल 3, सबका थोड़ा थोड़ा सेटअप है ना अंदर इन लोग सजा के रखा है। और अंदर वैक्स म्यूजियम भी है, 7D है। तो चलिए पूरा वीडियो देखते रहिए, अंदर पूरा सेटअप आप लोग को दिखाता हूँ। और गाइस ये है टेक्निकल डिपार्टमेंट, और कि बुजुर्गों का कहना है कि दुनिया में काम करो तो ऐसा करो, दुनिया में काम करो तो ऐसा करो कि दुनिया वाले खुद कहें और भाई तो रहना है।
हम खुद कहेंगे। ओके, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये यहाँ टेक्निकल डिपार्टमेंट है, यहाँ के कलाकार पर्दे पर नजर नहीं आते, और यहाँ पे शूटिंग के वक्त सारा काम यहाँ होता है फिल्म का। ये क्रोमा है, क्रोमा में शूटिंग कैसे होती है और क्या है हमें जानकारी देना चाहते हैं, तो एक क्रोमा ग्राफिक्स की मदद से छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहिए। कैसा खोलिए लाइट कैमरा। और ये गाइस हम लोग आ चुके हैं लाइव स्टूडियो में, इधर लाइव प्रोग्राम होता है सब, तो हम लोग अभी तीनों बैठा है इधर। अरे देखिए लाइव प्रोग्राम चालू है इधर, तो इधर लाइव प्रोग्राम कैसे है तो इसके लिए एक सेटअप बनाओ। तो गाइस ये है वैक्स म्यूजियम बॉलीवुड पार्क का, ये सब बना हुआ है, ये अन्ना हजारे का। ये मेरा मम्मा है, ये देखो मेरा मम्मा, ये देखो हमारा मम्मा। ये देखिए ऐसे डीज अमित जी जैसे ही बना हुआ है। ये बाल ठाकरे जी का, ये मोदी जी का, ये उद्धव जी का, सबका डुप्लीकेट बना के रखा है इधर। ये सचिन का, और ये बॉलीवुड का एक सेल्फी पॉइंट है ये। ये कोई मिल गया का जादू, एक क्रिश का एक। चलो 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 आजा बाबा बुला रहे। ये तक तो गाइस हमारा ब्लॉग अभी हम लोग इधर ही ख़त्म करते हैं, और लेके आते हैं कल एक नया ब्लॉग लेके। और गाइस हमारा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी बताइए।